तो पहली चीज मैं ये देखता हूं कि जो डिफरेंस है टीएमसी और टीएमसी और बीजेपी में, नो डाउट टीएमसी टक्कर बहुत जबरदस्त देगी, लेकिन बीजेपी के पास नेशनल लेवल की पार्टी है, इनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट, इन्होंने क्लासिफिकेशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन ऑफ लेबर और ये सब चीज ऐसी की हुई है कि हर चीज के एक्सपर्ट लोग, एक्सपर्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग से एक टीम है, हिस्ट्री की रिसर्च के लिए अलग से टीम है, क्या मुद्दे उठाने हैं अलग से टीम है, रिसर्च के लिए अलग से टीम है, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस लगातार जो है रिसर्च करवाती रहती है हर 3 महीने 6 महीने पे कि लोगों का वो मतलब सेंटिमेंट क्या है। टीएमसी की कुछ गलतियां, पहली गलती वहीं पे शुरू हो गई थी जब ममता दीदी ने जो है जय श्री राम के नारे कुछ लोग सड़क पे लगा रहे थे तो उतर करके उन्होंने डांटना शुरू किया। ये हिंदू जो एक बहुसंख्यक अभी भी है वहां पे, एक मेजोरिटी के साथ सेंटीमेंट के साथ उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दिया, बहुत गलत स्टेप उनका चला गया। अच्छा, अब उसके बाद देखिए टीएमसी ने भी इन चुनौतियों को समझते हुए प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज कंसल्टेंट को हायर किया। ये चीज अच्छी है, मैं किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन जो उनके कंसल्टेंट रहे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही कि टीएमसी के जो पिलर हैं उनके आते ही वो टीएमसी छोड़ छोड़ के भागने लगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कंसल्टेंट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दूसरे लोगों को कमजोर करिए, यानी आपकी जो अपोजिशन की पार्टी है जिससे आपका डायरेक्ट जो है मतलब युद्ध होने वाला है, डायरेक्ट आपका कंपटीशन होने वाला है, जो आपके लिए चैलेंजर है, बीजेपी चैलेंजर है यहाँ पे, टीएमसी अभी तक लीडर बनी हुई है, चूंकि वो ये हुआ नहीं। जिस दिन से कद्दावर नेता टूट टूट के जाने लगे, शुभेंदु वगैरह जो कि शुरू से वहां पे जुड़े हुए थे, अब शुभेंदु अधिकारी जैसा एक कद्दावर नेता अगर टूट के गया तो 10 टाइम्स ज्यादा उसका नुकसान होता है। उनके पास ऑलरेडी 8-10 विधायक उनकी टीम में रहते हैं, वो अकेले विधायक नहीं है, और एक बहुत बड़े एरिया के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक की साइकोलॉजी इंक्लाइन होनी शुरू हो जाती है कि भाई अब की बार तो हालत खराब है टीएमसी की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों पार्टियों की स्ट्रेटजी देखिए। पिछली बार ममता ममता जीती थी, आपकी स्ट्रेटजी एक कॉन्सेप्ट है, किस, KISS, किस कॉन्सेप्ट, मतलब कीप इट स्मॉल एंड स्मार्ट। कहने का मतलब ममता दीदी का जो पिछली बार का कॉन्सेप्ट था माँ माटी मानुष वाला, वो एक लाइन का टैगलाइन इतना इफेक्टिव था कि सारी आइडियोलॉजी को एकदम वोटर्स के सामने क्लियर कर दिया, वोटर के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अच्छा, अब की बार टीएमसी की जो स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजी है पूरे चुनाव को मैनेज करने की, वो बड़ी कंफ्यूज है। देखिए बीजेपी की एक होशियारी समझिए, इतने खूबसूरत तरीके से ये अपने जाल में, अपने बुने हुए जाल में अपने विपक्ष को फांसती है। बीजेपी ने ऐसा जाल बिछाया, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से कैंपेनिंग की कि टीएमसी बौखला टाइप की गई, इसीलिए उनके मुद्दे बदलते रहे और भटकते रहे। और कभी भी चुनाव में एक गलती नहीं करना चाहिए कि आपका प्रतिद्वंदी आपको जिस मुद्दे पे लाना चाहता है आप उस मुद्दे पे आ गए। जैसे जय श्री राम के नारे लगे तो उसी मुद्दे को जवाब देने के लिए टीएमसी जय मां काली पे आ गई, ये टीएमसी को नहीं करना चाहिए था। आपके मुद्दे अपने ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आप हर मुद्दों पे ऐसे ही करने लगे कि जवाब देने लगे विपक्ष के या आपका जो प्रतिद्वंदी है, इसका मतलब है कि आप उनके जाल में फंसते चले जा रहे हो और आपका स्कोप जो है बहुत कम हो जाता है। टीएमसी की ये सबसे बड़ी गलती रही कि बीजेपी ने सीरियल वे में 3 से लेकर 5 बार से ज्यादा टीएमसी को अपने घेरे में ले लिया, और जो बीजेपी चाहती थी उसी मुद्दे पे वो केवल जवाब देने लगी, वो अटैकिंग नहीं हुई, वो केवल कन्विंस करने लगी, अपने आप को बताने लगी कि हमारे पास भी अल्टरनेट है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, होना ये चाहिए था आपका मुद्दा नेचुरल हो, आपका नैरेटिव नेचुरल हो, ऐसा नहीं कि किसी से कॉपी किया हुआ हो या किसी के थ्रू जब आपको स्टिमुलस मिले तो आप रिएक्टिव हो जाए। ये कुछ ऐसे रीजन है। उसके बाद जब ग्राउंड लेवल की बात शुरू होती है, आप देखिए टीवी वगैरह में जो आपको खबरें आती थी, बीजेपी के पास वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो बूथ बूथ मैनेजमेंट करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि इनके बूथ मैनेजर वगैरह भी इन कंपैरिजन ऑफ टीएमसी अगर देखा जाए तो उनकी एक्सपर्टाइज ज्यादा है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सत्ता में होते हैं, जैसे बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, आपकी पावर कई जो है गुना बढ़ जाती है। अब उसका कारण देखिए, इलेक्शन कमीशन ने
मैं ये नहीं बोलता हूं किसी पार्टी ने किसी संस्था को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में अब की बार बांट दिया, फिर यहां टीएमसी फंस गई। भाई आप 8 चरण में चुनाव हो, चाहे 16 चरण में हो, चाहे 1 चरण में, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को क्यों दिखाते हैं? आप परफॉर्म करिए ना। आपका एग्जाम का पेपर जो है, चाहे 3 घंटे में हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, आप एग्जामिनर को ये थोड़ी बोलिए कि ऑब्जेक्टिव क्यों दे दिया, पैटर्न क्यों चेंज कर दिया। अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो आप हर पैटर्न को मैनेज कर ले जाएंगे। बीजेपी यहाँ पे भी बौखला गई, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? जो मेरा मानना है, लगभग 5 से 7% की वोट की वहां पे रिगिंग होती थी। रिगिंग होने का मतलब ये है फर्जी वोट पड़ना, जबरदस्ती वोट पड़ना, पिछले चुनावों में जैसे आती थी। 8 चरणों में बांटने का मतलब ये है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इतना स्ट्रिक्ट अब की बार वहां पे इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। आप देखिए, दो दो हेलीकॉप्टर दिए गए हैं अब की बार, पहली बार ऐसा हुआ है। वहां पे जो पुलिस के हेड थे, सुरक्षा के हेड थे, दोनों को बदल दिया गया, एक की जगह दो दो लोगों को लगाया गया। अभी जो ये नेक्स्ट फेज में आज वोटिंग हुई है, इसके लिए स्पेशल प्रबंध किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब की बार शासन प्रशासन इतना सख्त है कि मैं इसको भी क्लेम नहीं करता हूं, लेकिन अगर ये माना जाए कि थोड़ा बहुत हेरा फेरी जो चुनाव में होती थी और जिसके कारण हार और जीत का पासा जो है पलट जाता था, वो अब की बार होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं, ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि टीएमसी, नो डाउट वो बहुत मजबूत वो भी थे, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ से काम लिया होता, पेशेंस से काम लिया होता, तो बहुत कड़ी टक्कर ये देते और बहुत, मतलब, बीजेपी को हाशिए पे ला सकते थे। लेकिन माइक्रो लेवल की एक्सपर्टाइज और जो मैनेजमेंट होता है इलेक्शन का, जो है एज ए टास्क की तरह, एज ए वॉर की तरह, वहां पे टीएमसी ने कई गलतियां कर दी हैं, जिसके कारण मुझे पड़ना जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकता दिखाई दे रहा है। टोटल ये बोला जाए, देखिए कंक्लूजन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी सरकार बनाएगी एनी हाउ, बाई हुक और बाई क्रुक। हाँ, कंडीशन एक ये होगी कि हो सकता है बीजेपी को बॉर्डर लाइन से वो विक्ट्री पा जाए, मतलब जितना चाहिए उससे 5-10 ज्यादा हो जाए, तो वहां पे भी वो बना लेगी, क्योंकि बीजेपी अंदर से बड़ी मजबूत है। अगर वो 2-4 सीट भी ज्यादा पा गई तो एक भी उनका विधायक टूटने वाला नहीं है, ये मान के रखिए। उसके पीछे कारण है, कोई भी विधायक क्यों छोड़ेगा जो नेशनल लेवल की पार्टी है। और जो देखिए, एक खास बात यह है कि बीजेपी में लोग जल्दी रूठते नहीं है, छोड़ के पार्टी जाते नहीं है, उसके पीछे कारण है बीजेपी के पास बहुत ऑप्शन है। अगर मान लीजिए किसी को टिकट नहीं मिला, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वहां से, उसकी नाराजगी रहेगी, लेकिन बीजेपी उसको एमएलसी के थ्रू या राष्ट्र में कहीं और उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल जो है पद दिला देती है, इंगेज कर लेती है, या तो आरएसएस में इंगेज कर लेगी या अपने उसमें जो है पॉलिटिकल उसमें कर लेगी। टीएमसी के पास ये ऑप्शन नहीं था। टीएमसी चूंकि एक ये नेचुरल लिमिटेशन है, आप स्टेट लेवल के हैं तो आप बाहर कुछ कर नहीं पाएंगे। जो दिग्गज और कद्दावर नेता थे, उनके छोड़ के जाने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा था, हम अपनी बात छोड़िए, आपकी बात छोड़िए, जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं और रिसर्च एजेंसी बैठी है, उनकी भी बात छोड़िए, सवाल ये है जो जमीन पे वहां पे जुड़ा है, जिन्होंने टीएमसी को दो दो बार वहां पे जीत दिलाई, एक मामूली पार्टी से पूरे स्टेट का जो है पार्टी बना दिया, उन लोगों की ऑब्जर्वेशन तो बहुत स्ट्रांग है ना। वो इतने जल्दी मैम कोई छोड़ करके नहीं जाता है, और वो भी इस्टेब्लिश्ड लीडर जो मंत्री और मिनिस्टर हैं करंट सत्ता में, इतना बड़ा रिस्क वो बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि बीजेपी जो है थोड़ा बहुत कम से पाए। अगर वो थोड़ा बहुत कम से पाते हैं, मान लीजिए जितनी सीट चाहिए उससे 10 सीट, 20 सीट, 25 सीट कम आती है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? बीजेपी की 3 लेयर की रणनीति होती है, ये विपक्ष के लोग समझ नहीं पाते हैं। पहला, मान लीजिए 20-25 सीट कम पाई, होगा क्या? शुभेंदु अधिकारी और जो 10-5 बड़े कद्दावर नेता गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस ऑप्शन पे सोच नहीं रहे हैं। इस ऑप्शन को भी उन्होंने सोच के रखा है कि अगर हमारी 2, 4, 6, 10, 20 सीट कम आएगी तो कैसे लोगों को अपने तरफ मिलाया जाएगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लीडर तो है ही, उनके टच में जीतने वाले भी, टीएमसी की तरफ से जीतने वाले भी कई कैंडिडेट हो सकते हैं कि अंदर ही अंदर उनके, जैसा कर्नाटक वगैरह में हुआ था, आपने देखा। ये सही है या गलत है, असंवैधानिक है असंवैधानिक है, मैं इस पे कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर एक जो है चुनाव को रणनीतिक तरीके से देख रहा हूं। तीसरी चीज ये है कि जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि 200+ अगर हम लाएंगे, इस चीज के भी चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। उसके पीछे कारण ये है, अगर आप क्राउड की डायनामिक्स देखिए, जिस हिसाब से भीड़ उभरी है, उनके पॉलिटिकल काइनेसिस को देखिए, आप वहां भले मत जाइए लेकिन आप टीवी पे ही देखते रहिए,
वो चाहे कैसे भी हो, ठीक है, लोग बोल सकते हैं कि बीजेपी ने मैनेज किया भीड़ को, अरे उसको भी तो करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए ना। अगर बीजेपी कर सकती है बाहर से आई हुई पार्टी, तो आप वहां सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं मैनेज कर पा रही है, यानी ये आपकी कमजोरी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पलड़ा बीजेपी की तरफ भारी है, पहली चीज। एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, बीजेपी के फेवर के जितने ज्यादा, यानी कि अगर लोग बोल रहे थे कि वोटों का पोलराइजेशन शुरू हो गया है, पोलराइजेशन सभी करते हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, ममता बनर्जी ने भी किया। बीजेपी ने जो टारगेटेड एरिया अपना लिया था, जहां उनको परफॉर्म करना था, वो सारे चुनाव हो गए। अब जो चुनाव बचे हुए हैं वो टीएमसी वाले हैं। अच्छा, अब कुछ भाग्य भी किसी का साथ देता है। अब जब टीएमसी वाले एरिया में, जो जैसे आज जहां वोटिंग शुरू हुई, तो कोरोना बहुत विकराल रूप से आ गया, इसका भी असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है यह चाहते हुए भी कि हमें वोट देना है, वो ना निकले घर से। भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, कोई भी वोटर किसी भी जाति का हो, मैं सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन मे भी पॉसिबल कि कुछ लोग बीमार भी पड़ जाए। मतलब वोटिंग जो है, कुछ ना कुछ जो है वहां पे, चाहे पॉइंट में ही, पॉइंट के परसेंटेज में ही क्यों ना आए, कुछ कम होगा। ये कुछ ऐसे लॉजिक है जिसपे क्लियर कट ये बोला जाता है कि इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट टाइम्स बीजेपी बहुत पावरफुल जो है वहां पे अपना रिजल्ट या प्रदर्शन करने वाली है। मिश्रा जी, आपने बहुत सही कहा कि एक तो बीजेपी में कोई भी नेता नाराज नहीं होता है। अडवाणी जी हमारे सामने इस चीज का एग्जाम्पल है। भले ही वो नाराज हो सालों से, लेकिन उन्होंने आज तक ना तो पार्टी छोड़ी। जिस तरह का एक सिस्टम है हमारे राजनीतिक, उसमें कि जब आपसी जब मतभेद होते हैं तो तुरंत बगावत अलग पार्टी बना ली बगावत नहीं जाती है। कर सकते हैं जी, जी, बगावत बगावत नहीं नहीं कर की सकते। भी नहीं है उन्होंने। दूसरा, आपने कहा कि माँ माटी मानुष, जिस तरह से दीदी से जुड़ी हुई है ममता दीदी, और उन्होंने अब इसमें काली माँ ऐड किया है एक तरह से। हालांकि सब्जेक्ट उनका अभी भी वही है कि जिस तरह से भी बरगलाना है वोटर्स को। तीसरी चीज आपने जो कही कि बीजेपी में एक मंथन होता है, मंथन तो सालों से कांग्रेस में भी होता रहा है मिश्रा जी, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस की आज क्या स्थिति है इस पर? देखिए, कांग्रेस तो ऑलरेडी नदारद रही है, और नेशनल जी लेवल पे भी और बंगाल के इलेक्शन में भी देखा जाए, वहां पे ज्यादातर टीएमसी के पहले देखा जाए तो वामपंथियों का रहा है। कांग्रेस कोई इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता है कि हम उसके बारे पे डिस्कस करें। मुझे आश्चर्य इस चीज का होता है कि वामपंथी दलों ने जो 30 साल तक जिन्होंने राज किया, अगर वो साफ हो गए हैं, वो एकदम शांत बैठ गए हैं, कहीं कैंपेनिंग नहीं दिख रही है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो कांग्रेस तो ऑलरेडी, कांग्रेस ने वहां पे सरेंडर किया हुआ है। आप देखिए, कोई बड़ा लीडर नहीं गया वहां पे जब कोरोना वगैरह नहीं था, यानी शुरुआती दिनों में ना, यहाँ से भी, दिल्ली से भी कोई ऐसा जो है पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए स्पीच दिया गया या कोई इफर्ट दिया गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो चाहे प्रिंट मीडिया पे। हाँ, थोड़े बहुत कांग्रेस के जो लोकल प्रवक्ता हैं, पता चला यूपी से कोई प्रवक्ता बैठ गया बंगाल के डिबेट, बंगाल चुनाव पे डिबेट के लिए कोई हरियाणा से बैठ गया, तो इस तरीके से तो बोला ही जाएगा कि भाई आप चुनाव में खुद जानबूझ करके आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे क्लेम करेंगे कि कितनी सीटें आएंगी, एक्सेप्ट आप मुंह बजा करके डिबेट वगैरह में आप अपने मुंह को लाल कर लीजिए, क्योंकि टीवी पे आने का मौका मिल रहा है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है। तो जब तक लेकिन इलेक्शन मिश्रा का जी, रिजल्ट राहुल नहीं गांधी आता। ने अभी कल ही ट्वीट किया, आपने भी पढ़ा होगा, कि मैं बंगाल की, वेस्ट बंगाल की अपनी रैलियों को कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना वहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भी इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सारी रैलीज वहां पे कैंसिल करे। साथ ही ममता बनर्जी का भी ट्वीट आया, उनका भी बयान आया कि मेरी जो रैलीज होंगी वो कम से कम होंगी 30 मिनट, से ज्यादा नहीं होंगी, और 26 की शायद उन्होंने एक बड़ी रैली अपनी रखी है, बाकी सारी कैंसिल कर दी है। तो फिर ये क्या ट्वीट वॉर ही चलेगी क्या? अब राहुल गांधी वहां गए तो है नहीं, लेकिन ट्वीट तो उन्होंने किया कि मैं आने वाले टाइम की अपनी रैलियां कैंसिल कर रहा हूँ। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है ना, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, बच्चे जब हम लोग थे तब बोलते थे भाई रोज पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। अब ठीक है, आप करिए मत करिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों का अपना है, लेकिन इसका असर अब इन लोगों को दिखना पड़ रहा है। अब जब आप मेहनत करना चाहते हैं तो कोरोना के कारण आपको मौका नहीं मिल रहा है, एग्जाम के पहले दिन सुबह पढ़ के आप क्या उखाड़ लेंगे। यही चीज बीजेपी ने, जो मैंने बोला स्ट्रेटजिक, कि पिछले 3 सालों से वो ग्राउंड पे धीरे धीरे रोज मेहनत कर रहे हैं। अब रैली हो या ना हो, बीजेपी ने ऑलरेडी वहां पे इतना काम कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के वर्कर्स के द्वारा, कि अब तो वो जो धार मुड़नी थी, जो लहर मुड़नी थी, वो मुड़ चुकी है। नदी की धार जो मुड़नी थी वो मुड़ चुकी है। अब आप त्याग दिखाइए। अब बोलने को मेरे पास भी बहुत है, ठीक है, जिस हिसाब से नेताओं ने ये कैंसिल कर दिया,
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं बोलूंगा वहां की यात्रा आपने क्यों नहीं कैंसिल कर दी, उस जगह की यात्रा आप कैंसिल कर दीजिए, देश में एक कोई जरूरी घटना हो रही थी, दुखद घटनाएं हो रही थी, तब तो आप फलाने देश के टूर पे थे, तब आपने कैंसिल नहीं किया। तो वो सब चीजें ठीक है, वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आपने सही किया या गलत किया, किसी को कोई दोष नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मैं फोकस इस चीज पे रहूं कि परिस्थितियां कुछ भी रहे उसमें भी तो लोग जीतेंगे ना। देखिए मेरिट कम या ज्यादा जाती है, लेकिन बच्चे फेल और पास तो होते ही है ना, टॉपर तो फिर भी कोई ना कोई एक होता है ना, चाहे 80% पे टॉप करे चाहे 50% पे टॉप करे। तो वो चीजें अब हाथ से निकल गई हैं और वो डैमेज कंट्रोल भी नहीं होगा। देखिए अब पब्लिक भी उस चीज को अपोजिट वे में ले रही है कि भाई आपसे हुआ नहीं तो आपको अब एक बहाना अच्छा मिल गया है। यही एक खास चीज है, गलत है सही है क्या है बीजेपी का मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस शिद्दत से ये लोग अपने काम में लगते हैं, मैं लगातार बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव चीज है। आप हार गए हैं तब भी आपको 5 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में इंडियन इलेक्शंस के, इंडियन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। आप ये सोचिए कि इलेक्शन का डेट जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा उसके बाद आप आके 10 दिन की कैंपेन करके और रैलियां करके चुनाव जीत जाएंगे, तो भारतीय जनमानस की साइकोलॉजी को कन्विंस करना, मोड़ना अब इतना आसान नहीं है। आपके कैंपरिजन में जो आपकी राइवल पार्टी है बीजेपी है, वो 5-5 साल से लगातार वहां मेहनत कर रही है, ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रही है, आपको नहीं दिख रहा है, आप ट्वीट खेल रहे हैं। अगर हर चीज ट्वीट करने से होती तो मैं ट्वीट कर दूं कि कल से मैं पीएम बन रहा हूं भारत का, तो दैट्स ऑल। कहने का मतलब ये है इलेक्शन या पॉलिटिकल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मंथन की आपने बात की, आप बैठ के मंथन करते रहिए, केवल मंथन होना जरूरी नहीं है, मंथन तो कांग्रेस ने, सीपीआई ने, टीएमसी ने, सब ने किया। टीएमसी ने मंथन किया, उस मंथन का क्या रिजल्ट निकला कि एक बहुत बड़े कंसल्टेंट को ले आइए, प्रशांत किशोर जी को ले आए, अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि उनके आते ही 10 लोग छोड़ के चले गए, शुभेंदु शेखर वगैरह। तो मंथन सही हो, कितने अच्छी तरीके से आप ग्राउंड लेवल के डायनामिक्स को पहचानते हैं, ये एक्सपर्टाइज है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और रिसर्च एजेंसीज हैं। अब देखिए मैंने अभी तक जो सुना है, मैक्सिमम जो सैंपल साइज लिया गया है किसी के द्वारा, वो 1 लाख वोटर्स का लिया गया है, इस इलेक्शन में नहीं, पहले इलेक्शन में। अब बीजेपी, अब किसी भी स्टेट में देखिए, बंगाल वगैरह की पॉपुलेशन आप देखिए 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास होगी, उसमें 5-6 करोड़ वोटर होंगे, तो 5-6 करोड़ वोटर में आप देखिए 1 लाख का कितना परसेंट होता है, 0.00001% करके होता है, तो उस सैंपल के कोई मायने नहीं। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी वोटर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, मैंने सबका देखा हुआ है, भाई आप किसको वोट दे रहे हैं, अच्छा जी इनको दे रहे हैं, अच्छा उनको नहीं देंगे, नहीं उनको नहीं देंगे, 1-2 क्वेश्चन और क्यों नहीं देंगे, या कौन सा मुद्दा है। तो ये बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको वहां पता ये करना है कि मतलब चेंज क्या हो रहा है। भाई वोटर तो सब पुराने हैं, हो सकता है बीजेपी वाले वोटर कांग्रेस में चले जाएं, या कांग्रेस वाले या टीएमसी वाले बीजेपी में आ जाएं, तो आपको पहचानना ये होता है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वोटर करिए, कितने तरह के वोटर होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर बिहेवियर, तो 5 तरीके के होते हैं। एक तो फिक्स वोटर होता है, भाई आरएसएस का जो आदमी है वो बीजेपी को ही देगा वोट, इसी तरीके से कैडर बेस जो है वो अपने ही पार्टी को देते हैं, लेकिन हार और जीत तय इससे होती है जो शिफ्टिंग वोटर है। अब शिफ्टिंग वोटर को पहचानने के लिए आज तक मैंने कोई क्वेश्चन किसी भी एजेंसी से, रिसर्च एजेंसी से नहीं सुना। शिफ्ट जब आप किसी वोटर को मतलब 1 लाख 1.5 लाख 10 लाख जितने भी लोगों का सैंपल सर्वे कर रहे हैं, फोकस ये होना चाहिए कि ये वोटर कितना स्टिकी है अपने डिसीजन पे, कहीं ऐसा ना हो 10 दिन के बाद कुछ और कैंपेन चले ये शिफ्ट कर जाए। इसी चीज को लोग पकड़ नहीं पाते हैं, स्पेशली हारने वाली पार्टियां जो रिसर्च करवाती हैं वो इस चीज को नहीं पकड़ पाती है। भाई आज वोटर ने बोला कि हम आपको देंगे दीदी, 5 दिन के बाद कोई कैंपेन चला, उसका विश्वास जो है, उसका डिसीजन डगमगाने लगता है, वो चेंज कर देता है। पोलिंग बूथ तक पहुंचते पहुंचते शिफ्टिंग वोटर जो होते हैं, न जाने कितनी बार अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। अगर कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इस चीज को पहचान ले कि शिफ्टिंग वोटर को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे उनको अपने तरफ शिफ्ट करवाया जाए, इसके डायनामिक्स को समझ ले कि कौन कौन से रीजन से वो शिफ्ट करते हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि हम उसको चलाएं तो वो शिफ्ट कर सकते हैं, वही 5-10% होते हैं शिफ्टिंग वोटर, वो उन्हीं से आपका जो है हार और जीत तय होता है।
इस चीज में बीजेपी बड़ी माहिर है। मैं आपको, मैं टीएमसी के इसमें बंगाल इलेक्शन में भी मैं एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, सोनार बंगला का कॉन्सेप्ट, जिस तरह से आपका जो नैरेटिव होना चाहिए ना, सिंपल होना चाहिए, टची होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए। माँ माटी मानुष पिछली बार एकदम ऐसा ही नैरेटिव था। आपने माँ माटी मानुष बोला, उसको फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर वोटर वहां का कनेक्ट हो जाएगा। सोनार बंगला आप बोल दीजिए तो किसी बंगाली को बताने की आगे कुछ जरूरत ही नहीं है, भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। ये केवल दो शब्द ही पूरे चुनाव के मुद्दे क्या होंगे इस चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि नैरेटिव आपका शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बार बार बदलते नहीं रहना चाहिए। आपका नैरेटिव आपके अपोजिट पार्टियों से डिराइव्ड नहीं होना चाहिए, उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए कि कहीं वोटर के दिमाग में ऐसी चीज जाए कि आप तो भाई स्टिमुलस आपको आपके अपोजिशन से मिला, आप अपने आप को बचाने के लिए आप ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे माइक्रो लेवल की जो डायनामिक्स है, जो वहां पे टीएमसी भी मैनेज नहीं कर पाई, उनके छोटे बड़े नेता भी नहीं मैनेज कर पाए, और उसके बाद उनके जो कंसल्टेंट रहे शायद वो भी मैनेज नहीं कर पाए। और उनके जो कंसल्टेंट थे उनका भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू को भी आप देखिए। अगर आदमी कॉन्फिडेंट रहता है तो वो दो विरोधाभासी लॉजिक या बातें नहीं देता है। आदमी अगर कॉन्फिडेंट है तो ये बोलेगा कि हाँ रिजल्ट यही होगा, ठीक है। लेकिन देखिए उनके पूरे इंटरव्यू को देखिए, प्रशांत किशोर जी के पूरे इंटरव्यू को देखिए, उन्होंने दोनों बातें बोली है कि मैं अभी भी बोलता हूं कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीट नहीं पाएगी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो मैं अपना ये कैरियर छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात आपको बोलने की क्या जरूरत है भाई? कैरियर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, आप उसके लिए फ्री हैं। हार या जीत होने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, 20 साल के बाद आप फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन पकड़ने वाली चीज ये थी कि इतनी जबरदस्त विरोधाभास वाली बातें आप क्यों बोलते हैं? या अगर आप ऐसे, अगर कोई ऐसे बोलता है हाँ देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, तो इसका मतलब है कि उनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेस पे वो एकदम क्लियर कट डिसीजन लेके बता सके कि कंक्लूजन क्या होगा। तो ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि वहां पे जो लीड करेगी, या अल्टीमेटली अगर ये देखा जाए, छोड़िए कौन कितनी सीट से जीतता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक भी सीट से अगर सरकार बन जाए कैसे भी करके, सरकार किसकी बनेगी ये ज्यादा जरूरी है। वो मुझे इंक्लाइनेशन मुझे बीजेपी की तरफ से लगता है कि वो सरकार बनाएंगे। अगर नहीं होता तो वो 5 साल पहले से मेहनत नहीं करते, वो बहुत पहले से डिसाइडेड है कि हमें सरकार बनानी है। मिश्रा जी, आपने आपने सवाल जवाब में बहुत सारी बातें कही, उन्हीं में से कुछ मैं पॉइंट्स उठाना चाहूंगी। सबसे पहले तो हम वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता दीदी और बीजेपी पे जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर का नाम कैसे चढ़ा वो हम सबको पता है। सबसे पहले उन्होंने किसका पीआर किया, सेकंड में किसका पीआर किया, तो वो जो ए बी सी और इस टाइम वो सी कैटेगरी पे है, आके ए पे उन्होंने राइज किया, सत्ता आई केंद्र में सब जगह पे हमें पता ही है। बी में जब वो पहुंचे वो साफ होना शुरू हो गई, आपको पता ही है। अब वो सी पे पहुंचे, आप मुझे ये बताइए सारे इलेक्शन में पिछले सब उनको छोड़ दें और वेस्ट बंगाल पे प्रशांत किशोर को फोकस करें, क्या वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं अपने पीआर में? देखिए मैम, एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई कैसे भी सक्सेस के मुकाम पे पहुंचा हो तो उस चीज की तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सबको मौके भी नहीं मिलते, कोई ना कोई यूनिक फैक्टर होता है। नो डाउट अगर वो सक्सेस रहे हैं तो उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना लक है, सबको ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन जो आपने बोला कि फर्स्ट फेज क्या हुआ, फिर सेकेंड फेज क्या हुआ, यूपी में बहुत बुरी तरीके से देखिए हुआ। देखिए मैं जी आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई एक एक्सपर्ट सर्जन है, आप इसको एग्जाम्पल समझिए, कोई एक्सपर्ट सर्जन है तो एक बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेगा तो भी वो 100% श्योर रहेगा कि ठीक होगा, और 1000 बार करेगा हर बार वो सक्सेस होगा। मैंने आपको बोला कि पॉलिटिक्स का डायनामिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स का डायनामिक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और जरूरी नहीं है कि दिग्गज से दिग्गज आदमी या नेता भी हर बार उसको समझ जाए। भाई सारी पार्टियां, सारे दिग्गज नेता तो हारे हैं ना, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी और सबको इंक्लूड करके हर किसी ने हार देखी ही देखी है। जो कभी किंग होते थे पॉलिटिक्स के, वो पार्टियां आज हाशिए पे बैठी हुई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डायनामिक्स को आप समझ नहीं पाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा, स्पेशली बंगाल इलेक्शन के लिए बोलूंगा, अगर आपने देखिए बहुत हैवीली पे किया जाता है इन सब चीजों के लिए,
आपने 1 साल 1.5 साल पहले ज्वाइन किया, तो बीइंग ए कंसल्टेंट या स्ट्रेटजिस्ट आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि पार्टी को एक सूत्र में बांधे रखना। आपके जाने से अगर पार्टी में विच्छेद शुरू हो जाए, हड़बड़ी शुरू हो जाए और पार्टी के पिलर गिरने लगे, तो वो पार्टी रूपी बिल्डिंग कितने दिन तक खड़ी रहेगी? तो पहला सिम्टम तो यही होता है। अब इसके कई रीजन होते हैं। हो सकता है आप वहां पे ठीक से अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाए, आप बहुत ज्यादा, चूंकि आपको लगा होगा कि भाई ममता दीदी हमारे साथ है, तो आपने डिक्टेट करना शुरू कर दिया, आप दूसरों के ओपिनियन को जो है नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आप सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि भाई हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही अल्टीमेट है और बाकी सारे नेताओं का ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है, वो गलत है। रीजन कुछ भी हो, पहली चीज होती है कि एज ए कंसल्टेंट, एज ए डॉक्टर या एज ए कंसल्टेंट आप ज्वाइन करते हैं ना, तो उस पार्टी को कन्विंस करके रखना, उन लोगों को जोड़ के रखना और उनको वैल्यू एडिशन देना ताकि वो और मजबूत हो जाए, ना कि वैल्यू डिडक्शन करना। इनके जाते ही वैल्यू डिडक्शन वहां पे शुरू हो गए। इट वॉज द फर्स्ट सिम्टम जहां पे कि मुझे ये लगा कि अब शायद बुरे दिन शुरू हो गए हैं, मैनेज नहीं हो पाएगा चीजें। अच्छा, उसके बाद कैंपेन के जो नरेटिव रहे हैं, आप देखिए नरेटिव भी कई बार चेंज होते रहे, क्योंकि आप कंसल्टेंट हैं तो या तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी बात वो मान नहीं रहे हैं, या आप ही ने वो बोला है कि भाई आप ये नैरेटिव करिए। लेकिन ओवरऑल अगर बार बार बीच में नैरेटिव चेंज हो रहे हैं और सारे नैरेटिव में कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा है कि जब आप अपनी लॉन्चिंग करते हैं तो उस वक्त नैरेटिव और स्ट्रेटजी अलग होती है, जब वो ग्रो के स्टेज पे होती है तब आपके नैरेटिव और वो चीजें अलग होती हैं, लास्ट फेज में जब आपका कैंपेन होता है तब वो चीजें अलग होती हैं। ये चीज बीजेपी में बखूबी देखी, जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता गया देखिए और एग्रेसिव होते गए और एक्यूरेट होते गए। ये टीएमसी में देखिए क्या हुआ, इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के इंटरनल जो स्ट्रेटजिस्ट रहे होंगे, इन लोगों का क्या हुआ, हर बार इनका नैरेटिव भटकता रहा। बीजेपी में एक चीज और है कि बंगाल को बंगाल के पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से, यानी जो वोटर्स हैं उनकी पॉलिटिकल साइकोलॉजी बिहेवियर के हिसाब से, बंगाल को उन्होंने 4-5 टुकड़ों में बांट दिया, पहली चीज। और हर के लिए अलग अलग कैंपेन की स्ट्रेटजी बनाई, ऐसा नहीं कि पूरे बंगाल के लिए एक किया, होमोजीनियस स्ट्रेटजी नहीं बनाई। ममता दीदी के सारे कैंपेन में होमोजीनियस स्ट्रेटजी दिख रही है। अगर बंगाल को 5 पार्ट में आप बांट रहे हो, 3 पार्ट में बांट रहे हो, तो इसका मतलब है कि डीपर लेवल पे आपने एनालिसिस की है, आप छोटे छोटे पार्ट को जो है एक्टिवेट कर रहे हैं और हर पार्ट को अलग तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी तो एक एक्सपर्टाइज होती है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए मैंने कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन डायनामिक्स को देख के, उनकी स्ट्रेटजी को देख के, उनके इम्प्लीमेंटेशन को देख करके पता चल जाता है। ये कुछ ऐसे ही है, रेस कोर्स में आप बैठे हो या 100 मीटर की दौड़ हो रही हो, तो कोई भी आदमी, कोई भी दर्शक वहां पे जो बैठा है वो देख के बता सकता है कि भाई कौन सा घोड़ा जीतेगा, कौन घोड़ा आगे निकल रहा है, वो तो पता चल ही जाता है ना कि डिफरेंस क्या है। तो ये बड़े कॉमन चीजें हैं। अगर आप टीवी पे भी देखते रहे, मैं चलिए ये भी मान लेता हूँ कि टीवी वाले भी जो है, जितने एनालिस्ट हैं वो सब बायस्ड हैं, मैं सारी चीजें मान लेता हूँ सब बायस्ड हैं, लेकिन आंखों के सामने जो चीज दिख रहा है आपको, जो खबरें आ रही है, उसमें तो क्लियर कट दिख रहा है ना कि कौन घोड़ा या कौन धावक आगे निकल रहा है और कौन पीछे रह रहा है। तो थोड़ा सा भी 1 मीटर का भी फासला होने पे रेस में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो ये डायनामिक्स देख के अगर आप ये बोलेंगे तो डेफिनेटली ये बोला जा सकता है कि जो है बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे लीड करेगी, अपने पास्ट परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे इम्प्रूव करेगी। और मार्जिनल देखिए टीएमसी का मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊं, टीएमसी भी कहीं अगर बेस्ट परफॉर्मेंस होगी तो टीएमसी भी मार्जिनल गेन करेगी, वो क्लीन स्वीप टाइप की टीएमसी नहीं करेगी। जैसे टीएमसी जितना जीतना है उससे वो 5, 10, 20 सीट ज्यादा पा गई तो भी उनके लिए खतरनाक है, उनके लिए एक नेक्स्ट चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन की जहां पे विक्ट्री या डिफीट होती है ना, तो वहां एक टशन लगातार अगले 6 महीने तक चलती रहती है नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जो वो मतलब जोड़ तोड़ लोगों का, नेताओं का छोड़ना आना जाना, हम सरकार बनाएंगे, कर्नाटक वगैरह कई जगह आपने देखा है ऐसा है, तो उसको मैं मिनी फेज ऑफ इलेक्शन बोलता हूँ, नेक्स्ट लेवल ऑफ इलेक्शन मैं बोलता हूँ। तो अगर क्लीन स्वीप कोई नहीं कर पाया तो वहां पे टीएमसी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन टीएमसी के ज्यादा निगेटिव परफॉर्मेंस करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मिश्रा जी, वैसे तो बीजेपी बहुत अलग मुद्दों पर वहां पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या उन मुद्दों में
धर्म और एनआरसी, ये दोनों फैक्टर होंगे, ये काम करेंगे इस चुनाव में? देखिए, मैं एक ऐसा पहला पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, आज नहीं मैंने 3 साल पहले बोला था, और पूरे ग्लोबल लेवल की मैं बात करूं, धर्म को राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते हैं। बात भारत की नहीं है, जितने 56-52 मुस्लिम देश हैं वहां तो आप देख ही लो धर्म कितना एक्टिव। आप तो आयरलैंड में है, आप यूके, आयरलैंड और यूएसए वगैरह में देखिए, सारी शपथ जो होती है वो बाइबिल को मान के होती है, जीसस को मान के होती है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेटेंट वे में बैक ऑफ द माइंड रिलीजन होता ही होता है, और वो निकल करके आ जाता है। और कैसे हो सकता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हजारों साल से हम लोगों के यहाँ धर्म जीवन के हर एक अंग में जुड़ा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो अच्छे नेता होते हैं वो धर्म के बारे में कभी निगेटिव नहीं बोलते हैं। ममता दीदी ने गलती तो यही की ना कि भाई जय श्री राम का नारा लड़के लगा रहे थे, आपने जो है कार से उतर करके उनको डांटा। ममता दीदी को ये समझना चाहिए कि लगभग पिछले 2000 सालों से तो इंडिया पे अटैक हो रहे हैं, इसी जय श्री राम के विरोध में, श्री राम के विरोध में अटैक हो रहे हैं। 1000 साल से तलवार का भी जोर लगा करके लोग हरा नहीं पाए, यानी खत्म नहीं कर पाए। तो आप क्या सड़क से उतर करके जीप से आप डांट देंगी तो क्या वो सारी चीजें, जय श्री राम और ये इन सब चीजों का जो सेंटिमेंट लोगों में है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। अरे तलवार की धार जब इस सेंटिमेंट को खत्म नहीं कर पाई तो आप खत्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो अच्छे नेता होते हैं वो कभी भी रिलीजन के थ्रू जो है मतलब रिलीजन के ऊपर डिसरिस्पेक्टिव वे में वो कभी भी उसको टच नहीं करते हैं उस मुद्दे को। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने एनआरसी बोली, डेफिनेटली होगा। अब आप देखिए, कुछ ऐसे एरिया देश में जहां पे घुसपैठियों या इन सब चीजों का ज्यादा उपद्रव नहीं है, परेशानी नहीं है, लोग वहां पे भी फेवर है। एनआरसी की जरूरत ही इसलिए पड़ी यहाँ पे, या बीजेपी सोचती है, क्योंकि सारा माइग्रेशन तो आप देखिए बांग्लादेश के बॉर्डर से हुआ ना, या आसाम बांग्लादेश के बॉर्डर से हुआ है, वहां लोग इन सब चीजों से डायरेक्टली फेस टू फेस मतलब इन प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में इन प्रॉब्लम्स को वहां पे फेस कर रहे हैं। तो वो तो चाहते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर अभी भी बहुत पोरस है। एक घटना आपको और बताऊंगा, तीस्ता नदी का पानी का बंटवारा जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहता है, आप कभी देखिएगा उस पर ममता बनर्जी का स्टैंड क्या रहा है। तो ये सब चीजें सोच करके ना वहां की पब्लिक, एटलीस्ट शिफ्टिंग वोटर तो इस चीज पे है ही कि हाँ भाई जो है ये चेंज होना चाहिए। एक और सबसे खूबी रही है 10 साल से, देखिए आदमी मोनोटोनस चीजों को नहीं करता है। हम घर में भी सब्जी पकाते हैं ना, तो एक ही तरह की सब्जी अगर दूसरे दिन बन जाए ना तो आदमी बोर होने लगता है। ये होता है मोनोटोनस नेचर, तो वोटर्स का भी मोनोटोनस नेचर होता है। और ये मोनोटोनस जो नेचर होता है ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जन्म देता है। तो बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सत्ता पक्ष के साथ है, यानी ममता दीदी के साथ है। एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज करने का जो इफेक्टिव तरीका है वो मैंने देखा ही नहीं, बंगाल चुनाव में मैंने देखा ही नहीं। एंटी इनकम्बेंसी को कैसे पहचाना जाए और कैसे मैनेज किया जाए, ये अगेन एक बहुत टिपिकल चीज है। मैं आपको बता दूं कि कैसे उसमें वोटर को अपने साथ लगातार इंगेज करके रखे रहना पड़ता है कि उनका नेचर मोनोटोनस ना हो, उनका इंटरेस्ट ताकि अभी भी बाकी रहे। एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए किसी भी एंगल से ममता दीदी ने काम नहीं किया है। इनके पूरे इलेक्शन कैंपेन की अगर आप निगरानी करिए और देखिए इनको, तो कहीं पे कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखेगा, नैरेटिव नहीं दिखेगा, इफॉल्ट नहीं दिखेगा जिसपे इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मैनेज किया हो। इन सब चीजों को देखा जाता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी रैलियां हैं। ज्यादातर रैलियों में ममता दीदी उलझ गई इंडिविजुअली बीजेपी के साथ या बीजेपी के लीडर्स के साथ। उनको इंडिविजुअली किसी पार्टी से नहीं उलझना है, उनको इंडिविजुअली, देखिए जो चैलेंजर होता है वो तो उलझ सकता है क्योंकि उसका तो टारगेट ही यही होता है कि हमें इस सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। लेकिन जो लीडर है उसको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि आप इंडिविजुअली पार्टी या इंडिविजुअली लीडर से आप उलझ जाइए। सारा कैंपेन इंडिविजुअल पार्टी से वो उलझने में उनका चला गया, या इंडिविजुअल लीडर से वो उलझ गए, या इंडिविजुअल व्यक्तियों से आप उलझ गए ये बोल के कि यूपी बिहार से जो है गुंडे बुलाए जा रहे हैं। अगर आप एक गंभीर नेता हैं तो आपको पूरे देश के हर स्टेट के लोगों को सम्मान देना। मैं बोलता हूँ भाई रैली कहीं पे भी हो रही है, दूसरे स्टेट का भी आदमी जा सकता है वहां देखने के लिए, कवर करने के लिए। आप ये कैसी असंवैधानिक बातें कर रहे हैं? आपने बंगाल को क्या बांग्लादेश बना दिया क्या कि बिना पासपोर्ट लिए कोई आएगा नहीं? ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत गहरे से प्रभाव डालती हैं। और देखिए वोटर को भी नहीं पता होता है कि धीरे धीरे कहाँ
तब वो शिफ्ट हो गया। जो शिफ्ट का जो जो साइको जो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है ना, पॉलिटिकल काइनेसिस होता है माइक्रो लेवल पे, वोटर को भी नहीं पता चलता है कि धीरे 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 कैसे करके वो शिफ्ट हो गया दूसरी पार्टी की तरफ। हार्डकोर वोटर भी बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाता है थोड़ा रेगुलर अगर काम कर दिया जाए। ये फैक्टर ऐसे रहे हैं कि टीएमसी इन फैक्टर्स को भांप ही नहीं पाई, और इसीलिए उनकी जितनी कैंपेन है वो सरफेस लेवल पे गई, हल्ला मत। मैं तो सिर्फ बोलूंगा कि टीएमसी ने जो भी मेहनत किया, पैसा खर्च किया, वो केवल जैसे वो इधर डांस कर लिया, उधर हल्ला मचा दिया, उधर शोर कर दिया ना, वो वेस्टेज गया। वो कोई सॉलिड ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे ये होता है ना कि कील को अगर गाड़ना होता है दीवार में, इफ यू हैव टू नेल, तो वहां हथौड़ा कहाँ लगना चाहिए? एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहीं पे आपको हथौड़ा रखना जो है लगना चाहिए, आपका प्रहार होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उतने माइक्रो लेवल पे ये उस पॉइंट को ढूंढ नहीं पाए। बड़ा इनका कैंपेन टीएमसी का बहुत जनरलाइज्ड हो गया, बहुत कंफ्यूज्ड हो गया और मुद्दों से हट गया। कौन से मुद्दे पे? भाई विकास का अगर आप मुद्दा पकड़ती हैं तो बीजेपी उसमें डोमिनेट करती है, डेवलपमेंट वगैरह की बात करती है उसमें डोमिनेट करती है। आप अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण, कुछ प्रिफरेंस के कारण खुल के हिंदुओं के बारे में आप नहीं बोल पाई, तो आपके अपने लिमिटेशंस हैं, या किसी एक धर्म का या पक्ष आपने ले लिया तो वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। यानी हर जगह आप लिमिटेड ही होते चले गए, ब्रॉडर एरिया पे आपने सबको कवर करने की कोशिश नहीं की। तो ये वहां पे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं। मिश्रा जी, अभी इन सब फैक्टर्स पर जिस तरह से आपने बात की, इसके पैरेलल एक और फैक्टर भी है जिस पर ममता दीदी पिछले कई दिनों से अग्रेसिव हुई हैं। वो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं इस पर कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकती है आने वाले टाइम में, और विपक्षी पार्टियां भी इस चीज पे अक्सर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं कि बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करवाए जाते हैं, क्योंकि ईवीएम तो दिल्ली इलेक्शन से पहले भी आपको पता होगा कि ये एक लगातार हिट किया जा रहा है सरकार को। तो आप इसको क्या कहेंगे, क्या वो टेम्पर्ड हो रही है, नहीं हो रही है, क्या मैनेजमेंट है ये? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं जो मतलब संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं हैक होने को तो सैटेलाइट भी हैक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था हैक हो जाती है। और ऐसा नहीं है, जब बैलेट पेपर होता था तो क्या धांधली नहीं होती थी? तो गारंटी तो कहीं किसी की नहीं है, गारंटी केवल एक ही चीज दे सकती है, आप चाहे बैलेट पेपर से करवाइए, चाहे केवल मतलब हाथ खड़ा करवा लीजिए कि भाई आप किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे उसी से डिसाइड कर लीजिए, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी ले आइए, मीडियम कोई भी ले आइए, क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि चीजें ऑनेस्टी से होनी चाहिए। बैलेट पेपर करा देने से ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई पार्टी हार रही है तो वो जीत जाएगी। बैलेट पेपर करा देने के लिए अगर ये बोल रहे हैं, या तो पहले ही इलेक्शन के पहले उनको पता चल गया हो तो अब हल्ला मचाने लगे हो कि हाँ भाई ईवीएम से, जहां आप जीत जाएंगे वहां ईवीएम भाई बहुत सही है, जहां आप हार जाएंगे वहां ईवीएम को जो है फिर हैक कर लिया जाता है, टेम्पर्ड कर लिया जाता है। तो इसका तरीका एक ही है कि अगर आप कोई भी पक्ष या विपक्ष का आदमी इतना दहाड़ रहा है, आप चैलेंज कर रहे हो कि हम जीत रहे हैं, सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ईवीएम के लिए जो मेजरमेंट हो सकते हैं वो करिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए अपनी निगरानी, यानी उसको चेक करने के जितने तरीके होते हैं आप वो करिए। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी लिमिटेशन है, तो अब उसमें मैं क्या करूंगा आप मुझे बताइए, या कोई भी क्या करेगा? आप केवल हल्ला मचाइए, रिजल्ट जो आना होगा वो अब वो होगा। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, उसको नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो केवल केवल आपके निगेटिव जाता है। अभी देखिए, अगर इन्होंने ईवीएम के लिए हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टीएमसी को लगना शुरू हो गया है कि हमारे वोट कम पड़े हैं। एक चीज आपको बता दूं, जो बूथ मैनेजर होते हैं, शाम तक उनको पता चल जाता है, बूथ मैनेजर वहां का लोकल आदमी होता है और उसको पता रहता है कि इस गांव का ये आदमी किसका किसको वोट देगा, तो वो इमीडिएटली गिन के वो पता कर लेते हैं कि भाई आज शाम तक इतनी वोट पड़ी, इसमें इतने हमारे पड़े, इतने इनके पड़े, इतने इनके पड़े। तो पार्टियां कॉन्फिडेंट हो जाती हैं वहां पे, पार्टियों को तो एटलीस्ट जो सेंसिटिव पार्टियां हैं उनको पता चल जाता है कि वो कितनी सीट जीत रही हैं और कितनी सीट हार रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो वल 360 विद मनु में ये थे हमारे एके मिश्रा जी, जो पैनलिस्ट भी हैं और स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, आपको पता ही है, कंसल्टेंट भी है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। जो हमारा सब्जेक्ट वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर था, और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि इलेक्शन चुनाव के बाद 2 तारीख को किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत।